बात करें आज सॉर्टिंग का, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग से। तो सॉर्टिंग में सबसे पहले जानिए कि नॉर्मल सॉर्टिंग तो आप करते हैं कि आपने सेलेक्ट किया और यहां से सॉर्ट कर दिए, या कस्टम सॉर्ट पे गए और सॉर्ट कर दिए, राइट। तो अब यहां पे एक चीज और भी है कि सॉर्टिंग में कुछ ट्रिक्स है, चलिए उन ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे कि रैम है और हमने कहीं पे रैम स्मॉल में लिख दिया, ठीक है, रैम स्मॉल में लिख दिया। अब मुझे शॉर्ट करना है, उसमें कैप अलग करना है और स्मॉल अलग करना है। तो अगर मैं प्रोडक्ट के हिसाब से अगर शॉर्ट करता हूं डेटा ए टू जेड, तो आप देखेंगे मैं रैम के ऊपर जाता हूं, रैम, अब यहां देखिए गज पर से ना बीच में गुजर मिक्स कर मिक्स है। तो शॉर्ट करते समय, आप कस्टम शॉर्ट करते समय ऑप्शन में आप यहां के सेंसिटिव पे क्लिक कर देंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप इसमें देखें यहां पे, तो पहले आपका स्मॉल यहां पे आ गया और फिर यहां पे कैप्स आया, ठीक है, क्लियर है, ये चीजें कर सकते हैं। दूसरा शॉर्ट, आप शॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हो, पता है, या फिर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कोई आइकन लगाया है इसके हिसाब से भी शॉर्ट कर सकते हो। कैसे, जब आप कस्टम सॉर्ट करेंगे तो यहां पे आपके सामने दिखता है सेल वैल्यू। जैसे मैंने मान लीजिए नेम ले लिया, तो नेम में यहां सेल वैल्यू में अगर हमने सेल कलर कर दिया, कौन से कलर को टॉप पे रखना है सीक्वेंस में, उसको सिलेक्ट करके वो करेंगे तो आपके कलर एरिया टॉप पे आ जाएगा। सेम उसी तरह से अगर आप सॉर्ट करते हैं कस्टम सॉर्ट में, और यहां पे मैं अगर मान लीजिए हमने क्वांटिटी ले लिया, और क्वांटिटी में यहां पे आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन। अब मान लीजिए मुझे इस आइकन को ऊपर रखना है तो ये आपका टॉप में आइकन आ जाएगा, ठीक है सर जी। सर ऐसे तरह से टॉप टू बॉटम करते हैं तो हमारे पास एक और फीचर है, जैसे कि मैं यहां पे मान लीजिए कि नेम और यहां पे हमने सेल्स दिया, मुझे हमें टॉप टू बॉटम तो करते ही है, लेकिन आप शॉर्ट में राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। यस सर, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। यस सर, तो यहां पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे कस्टम शॉर्ट में, और सबसे पहले ऑप्शन पे आने के बाद मैं यहां पे शॉर्ट लेफ्ट टू राइट कर दूंगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट करते समय आप अपने हेडिंग को सिलेक्ट मत कीजिएगा, वरना हेडिंग को भी कंसीडर नहीं करता है। शॉर्ट हो गया। अब एक चीज और है, जैसे मान लीजिए मुझे डेटा में हर एक एंट्री के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना, इसके लिए भी हम शॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सीरियल नंबर में जाएंगे और यहां पे हम सीक्वेंस नंबर ऐड कर देंगे। ओके, हम यहां पे सीक्वेंस नंबर को लिख देंगे। और इसी सीक्वेंस नंबर को हम यहां पे रिपीट कर देंगे। तब एग्जाम अभी क्या है कि मुझे इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो यहां पे देखिए क्या है कि वन टू, एक वन ऊपर है हमारा जिसमें डेटा है, और यहां दूसरा वन जो कि ब्लैंक है। तो मैं अगर मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करता हूं तो दोनों दोनों वन इकट्ठा हो जाएंगे सॉर्टिंग में,
डेटा एक ब्लैंक होगा। तो सीरियल नंबर में हम यहाँ सेल वैल्यू और कर देते, एक डेटा एक ब्लैंक हो अच्छा सर, मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अगर एक दिन की मल्टीपल एंट्री है और मैं एक दिन की एंट्री के बाद ब्रेक चाहता हूँ, एक लाइन ब्रेकअप ब्रेक डालना चाहता हूँ, तब बताइए सर क्या सोल्यूशन है? गया। मतलब कि आप चाहते हैं कि तो डेट चार 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 तीन पांच रैंडमली एक दिन की एंट्री, जैसे नाइनटीन टेन के लिए 20 एंट्री है और ट्वेल्थ फेब के लिए 5 एंट्री है। मैं वो भी बताता हूँ, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, समझ में आया। मान लीजिए कि जो ब्लैंक रो है, इस ब्लैंक रो के बाद ब्लैंक रो को रिमूव करना है। तो बहुत सारे लोग फिल्टर लगा के डिलीट करते हैं। आपके डेटा में हो सकते हैं कि 10 के बाद एक ब्लैंक है, 5 के बाद ब्लैंक है, एक ब्लैंक रो बहुत सारे हो गया आपके। आप ब्लैंक रो को रिमूव करना, तो जनरली लोग उसको डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको शॉर्ट के जरिए भी हटा सकते हैं। यहां आप आए और आप जो है किसी एक के अकॉर्डिंग, जैसे नेम ही है, नेम के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट कर दीजिए, तो आपके जितने भी ब्लैंक है वो ब्लैंक नीचे चले जाएंगे, डिलीट नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपका जल्दी होगा। दूसरा, आप सवाल पूछा, उस सवाल के जवाब पे मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले मेरा एक और एग्जाम्पल देख लीजिए कि अभी हमने एक रो के बाद एक इंट्री की है ना। लेकिन मान लीजिए मुझे हर 3 के बाद एक रो एंट्री करनी, एवरी थर्ड के बाद, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी एक सिंपल सा क्या है कि आप यहां पे वन 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 3 बार वन को लिखेंगे, उसके बाद नीचे में जाएंगे और इस पे प्लस वन कर देंगे। मतलब कि यहां हर सीक्वेंस नंबर 3 बार आना चाहिए, वन वन टू टू, और फिर मैं देखूंगा कि 100 तक है। तो फिर मैं यहाँ अपने फील्ड में जाऊंगा, यहाँ पे वन लिखूंगा और 101 तक जाना है ना, और मैं की मदद से जाऊंगा सीरीज में और मैं बोलूंगा कि मुझे 101 तक एंट्री कर दे। अब जो है यहाँ पे नंबर 3 बार रिपीटेड है, लेकिन नीचे वाला नंबर सिर्फ 1 बार रिपीटेड है। तो हर 3 के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगा ना सर। हर 3 रो के बाद एक वन आएगा जो कि नीचे से आएगा ब्लैंक रो लेके, फिर 2 के बाद 2 आएगा ब्लैंक रो लेके। राइट, गॉट इट। यहां पे सीरियल नंबर दिया एंड ओके कर दिया। ठीक है, अब आपकी सवाल के जवाब पे हम आते हैं। बोला कि मैं अपने एक नाम के अकॉर्डिंग एक डेट है, उस डेट के अकॉर्डिंग चाहता हूं। जैसे कि मेरे यहां पे देख लीजिए, मैं स्टेट को ही ले लेता हूं। आप स्टेट, जैसे डेट बताया था, हम डेट के जगह पे हम स्टेट ले लेते हैं। तो यहां आपको दिख रहा होगा कि हर स्टेट के बाद एक ब्लैंक रो चाहता हूं। जैसे आंध्र प्रदेश खत्म हुआ, एक ब्लैंक आ जाए, ये आप चाहते हैं सर। जी तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, पहले आप स्टेट को कॉपी करके किसी एक ब्लैंक सीट पे पेस्ट कर दें। डेटा बार के अंदर में आपके सामने दिखेगा रिमूव डुप्लीकेट। अभी इस रिमूव डुप्लीकेट को लें और स्टेट के अकॉर्डिंग इसको डुप्लीकेट हटा। क्या हो गया कि अब मेरे पास जो भी स्टेट आया वो सिर्फ इंडिविजुअल है, रिपीटेड नहीं, जैसे आपका डेट भी ऐसा ही होगा। इसको लीजिए और इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और फिर आप डेटा को सिलेक्ट करके स्टेट के वाइज स्टेट के हिसाब से इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर दे। असेंडिंग डिसेंडिंग कर दे। अब बोले लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम और आपके सामने आ सकती है कि मैं स्टेट के अकॉर्डिंग ए टू जेड कर दिया, तो हर ब्लैंक हो गया। अब बोले सर यहां पे आ गया, तो आप कॉपी करके साइड में कर दीजिएगा, शॉर्ट करने के बाद उसको डिलीट मार दीजिएगा। राइट ठीक है, क्लियर? कोई डाउट सर इसमें?
नहीं सर। ये हमारी सॉर्टिंग थी। अब हम बात करते हैं आपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये डेटा बना लीजिएगा, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, कि मेरे पास एक डेटा है और यहां पे प्रोडक्ट वन करके हमने ऐसे मेरे पास जो है 50 प्रोडक्ट है, या 50 से ज्यादा भी हो सकता है, और उनके सेल्स है। ये बना लीजिएगा आप, ठीक है, सिंपल में आप। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके साथ इसका सेल, ये हमारा सेल्स है, इसके साथ इसका टारगेट का परसेंटेज देना है। मुझे क्या करना है कि हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है। फिर यहां परसेंटेज का सिंबल देना है, या कोई एक हेडिंग है वो हेडिंग देना है, और फिर हर नंबर को डिवाइड करना है 70 से, फिर इसको परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और नीचे ड्रैग करना है, समझ गए। और ये काम मैं हर कॉलम, हर एक प्रोडक्ट के बाद करना चाहता हूं। लेकिन मेरे पास ऐसे 150-200 प्रोडक्ट होते हैं और मैं मैनुअल करता हूं तो मुझे काफी टाइम लगता है। मैं चाहता हूं इसको कम से कम समय में करना। मैं आपको इसके लिए मात्र 2 मिनट दूंगा कि आपको 2 मिनट ऐसा कोई तरीका निकालना है कि ये काम जो कि घंटों का है वो विद इन 2 मिनट्स में हो जाए। प्रॉब्लम समझे आप? समझे सर? समझ यस गया सर। सर। सत्ता जी, आपको समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? यस यस सर। राहुल जी, हाँ जी समझ गया मैं। प्रॉब्लम क्या, मैं 50 कॉलम, हर कॉलम के 50 भी हो साथ में सकते हैं, कॉलम ऐड 500 करना भी हो है। सकते हैं और हाँ 1500 भी हाँ हो हर सकते हैं। कॉलम के साइड राइट में हमें कॉलम ऐड करना है, उसमें फर्स्ट कॉलम का टारगेट परसेंटेज सेट करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा।